तो सबसे पहले तो विराट कोहली को हैप्पी बर्थडे, हाँ और हमारी ख्वाहिश होगी क्या विराट कोहली अपने हैप्पी बर्थडे पे जितनी सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी की उतनी कम से कम सेंचुरी करे, और कल का मैच सेंचुरी करके वो अपना हैप्पी बर्थडे विश करे। यार, देखें इंडिया का जो इस टाइम दबदबा बना हुआ है ना, जिस तरह से वो आ रही है और जिस तरह के बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, जिस तरह मोहम्मद शामी ने कमबैक किया 3 मैचेस में 14 विकेट, तो लोग तो यही कह रहे हैं खतरा ये ना हो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 5 आउट कर जाए। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ये हिटमैन है यार। ये इन्होंने, सही बताऊं तो ये वो बंदे हैं जो खड़े हो जाए तो सारा मैच बनाने वाले यही बंदे। विराट कोहली की जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता आने वाली, मैं कहूंगा कि आगे 100 सदियां भी गुजर जाएंगी, विराट कोहली को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी लेगेसी है। शुभमन गिल एक अलग नाम है, विराट कोहली एक अलग नाम है, दोनों एक अपनी जगह रखते हैं। क्या में से रोहित शर्मा, विराट कोहली, और बॉलिंग में जो है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। और वैसे भी आप देख रहे हैं शुभमन गिल वैसे ही रिप्लेस कर चुके हैं बाबर आजम को, आगे वो हो जाएगा, रैंकिंग में आ जाएंगे नंबर 1 पे। सिर्फ इंडिया टॉप पे जा रहा है, इंडिया ने टॉप पे ही रहना है। इंडिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? शुक्र सर। कल है इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच, क्या लगता है कि कल कौन जीतेगा, किसकी कैसी परफॉर्मेंस होगी, कल मैच कैसा होगा? यार देखें, जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस जा रही है, मुझे नहीं लगता साउथ अफ्रीका लाके चले। ठीक है, बहुत बड़ी टीम है, काफ़ी अच्छा स्कोर करती है ये, आगे जैसे भी सिस्टम रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनको देखा क्या, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे मेरे खातों में से तो वो हार ही गई है पाकिस्तान से, वो विकेट मिल जाती तो सारा सिस्टम खत्म था। मिस फीलिंग तो इस तरह आ रही है जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं बड़ी टीमें हैं, अनबीटेबल है। एक मरतबा जो है साउथ अफ्रीका की टीम हारी है, लेकिन इंडिया की टीम कोई मैच भी नहीं हारी, तो मैच बहुत बड़ा होने वाला है। देखे ना, अगर इधर रोहित शर्मा है तो उधर डिकोक है, इधर विराट कोहली है तो बुमराह है, क्लैसन है, इधर शुभमन गिल है, तो बहुत मजे वाला मैच होने वाला है, बहुत मजे वाला मैच होने। लेकिन पलड़ा किसका भारी है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों को मिला लें तो प्लस माइनस करें जरा। मिस बैटिंग के लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल में थोड़ा थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, लेकिन बॉलिंग के लिहाज से देखें तो इंडिया जो है वो फेवरेट है। और जिस तरह मोहम्मद शामी ने कमबैक किया 3 मैचेस में 14 विकेट, तो लोग तो यही कह रहे हो खतरा ये ना हो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 5 आउट कर जाए, तो इंडिया की बॉलिंग जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। इस इंडिया की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है तो मेरे ख्याल से इतना कोई खास मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, इंडिया टॉप पे जा रहा है, इंडिया ने टॉप पे ही रहना है। इंडिया ने टॉप पे रहना है, लेकिन उसके बावजूद सेकंड टॉप जो टीम है जिसने 400 वाला ट्रेंड सेट किया है वो साउथ अफ्रीका है। यार देखें, इंडिया का जो इस टाइम दबदबा बना हुआ है ना, जिस तरह से वो आ रही है और जिस तरह के बॉलर हैं, बैट्समैन है, चले ठीक है, बैटिंग की बात करें तो दोनों साइड पे शायद हम कह सकते हैं कि इक्वल होगा, लेकिन अगर आप बॉलिंग लाइन की बात करें तो मेरे ख्याल से कि नहीं पकड़ सकते, इंडिया की बॉलिंग लाइन नहीं पकड़ी जा सकती, अभी तक नहीं पकड़ी गई और आगे ना ही पकड़ी जानी है, ना पकड़ी जानी है। सर क्या लगता है कि कल की परफॉर्मेंस में इंडिया में कौन है जो साउथ अफ्रीका के परखचे उड़ाएगा? शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ये हिटमैन है यार। ये इन्होंने, सही बताऊं तो ये वो बंदे हैं जो खड़े हो जाए तो सारा मैच बनाने वाले यही बंदे हैं। ये दो बंदे खड़े हैं तो समझ लें कि मैच खत्म है, बॉलर्स की कहां पे टांग जानी है, और समझ लें कि सेंचुरी, डबल डबल सेंचुरी मार के जाएंगे, 400 स्कोर यही करेंगे, 400 स्कोर करेंगे, 400 करेंगे दोनों मिलके। आपकी फेवरेट टीम कौन है, कौन सी है सर, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कल के मैच में? मिस दोनों टीम्स को, दोनों टीम्स को, दोनों टीम्स को, दोनों टीम में जो है ये क्या रेलुकटा, रेलुकटा नहीं, दोनों टीम्स में जो है फेवरेट प्लेयर हैं। देखे ना, अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे डिकॉक और बुमराह फेवरेट प्लेयर हैं, इधर से विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो दोनों को सपोर्ट है। सर डी कॉक और बबूमा तो इस वजह से फेवरेट हुए ना, क्योंकि न्यूजीलैंड वाला मैच उन लोगों ने हमारे फेवर में खेला है। नहीं नहीं शुरू से ही, अच्छा। नहीं शुरू से ही, शुरू से वो मुझे जो प्लेयर है, उससे पहले एबी डिविलियर थे, वो तो क्रिकेट छोड़ के चले गए, डिप्लोमेसी है वो, उन्होंने भी छोड़ दी, तो अफ्रीका के शुरू से ही 2-3 जो है बैट्समैन और बॉलर हमें पसंद रहे हैं। इंडिया में भी हमेशा से इसी तरह 2 बॉलर 2 बैट्समैन हमें फेवरेट। तो वो जो 2 बॉलर और 2 बैट्समैन है वो कौन है, नाम भी बता दें। इंडिया में से रोहित शर्मा, विराट कोहली, और बॉलिंग में जो है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। अरे 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 सर, कल क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसा एक मैच हमें देखने को मिलेगा, और क्या एक थ्रिलर होगा या फिर वन साइडेड जाने वाला? नहीं, मिस वन साइडेड तो नहीं जाएगा, जो जिसकी पहले बैटिंग आएगी वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बड़ा स्कोर करेगा। और जहाँ तक दूसरी बात करें ट्रेलर की, थ्रिलर की, तो मैं यही कहूँगा कि विराट कोहली की कल बर्थडे है, तो सबसे पहले तो विराट कोहली को हैप्पी बर्थडे, और हमारी ख्वाहिश होगी क्या विराट कोहली अपने हैप्पी बर्थडे पे जितनी सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी की उतनी कम से कम सेंचुरी करे, और कल का मैच सेंचुरी करके वो अपना हैप्पी बर्थडे विश करे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। और वैसे भी आप देख रहे हैं शुभमन गिल वैसे ही रिप्लेस कर चुके हैं बाबर आजम को, आगे वो हो जाएगा, रैंकिंग में आ जाएंगे नंबर 1 पे, सिर्फ कोई 50 स्कोर
रह गया बाकी। और वो सिस्टम मतलब शुभमन गिल ने इतनी कम उम्र में इतना कुछ चेज कर लिया, और मैं कहूँगा यार कमाल बैट्समैन है, इंडिया को एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज मिला है, और मैं कहूँगा मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है उसके बारे में। मतलब कि दूसरा विराट कोहली भी कल है और असल विराट कोहली भी है, तो मतलब क्या होने के वाले हैं? देखें दोनों का अपनी जगह पे एक वो है हाइप है, विराट कोहली की जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आने वाली मैं कहूंगा कि आगे 100 सदियां भी गुजर जाएंगी, विराट कोहली को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अपनी लेगेसी है। लेकिन शुभमन गिल है वो ठीक है, वो आगे आया है, इतना कुछ देखने को मिला है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, उसने एक अपना नाम बनाया है। शुभमन गिल एक अलग नाम है, विराट कोहली एक अलग नाम है, दोनों एक अपनी जगह रखते हैं। ठीक है सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे कल की जो मैच है, क्या फाइटिंग मैच होगा या वन साइडेड लग रहा है? यार देखें एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने को तो मिलेगा, लेकिन अगर विनिंग की बात की जाए तो फिर वन साइडेड मैच है, इंडिया जीतेगा। और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यार मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। तो मैं तो जरूर विराट कोहली को सपोर्ट करूंगा।